अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू इरम का दस्तरखान। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं ग्रीन चिली मैक्रोनी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सबसे पहले हम एक कढ़ाई ले लेंगे। उसमें 4 to 5 स्पून आयल ऐड करेंगे। आयल को अच्छी तरह प्रीहीट कर लेंगे। अब हम 3 जवे लहसुन के लेंगे और उसे चॉप्ड कर लेंगे। चॉप्ड करके हम आयल में ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह भून लेंगे। जैसे ही इसकी भुनाई मुकम्मल हो जाएगी, हम इसमें 1/2 kg बोनलेस चिकन ऐड करेंगे। चिकन ऐड करने के बाद हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह कुक कर लेंगे, ताकि ये जो चिकन का पानी है वो थोड़ा खुश्क हो जाए। आप देख सकते हैं कि चिकन अच्छी तरह कुक हो चुकी है। अब हम 6 to 7 ग्रीन चिलीज लेंगे, उसे जूलियन कट करके इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें 1 tablespoon लाल कुटी हुई मिर्च ऐड करेंगे। 1/2 tablespoon इसमें सॉल्ट जाएगा। 1/2 tablespoon ही इसमें हम ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। हम इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे फॉर जस्ट 30 seconds। इसे हम 2 minutes के लिए कवर करके रख देंगे इन अ मीडियम फ्लेम। 2 minutes बाद इसे अनकवर करेंगे। ये अच्छी तरह भुन चुका है। अब इसमें 1 tomato डालेंगे। टोमेटो को भी हम जूलियन कट कर लेंगे। साथ ही हम इसमें 5 to 6 tablespoon मेयोनीज के ऐड करेंगे। 5 to 6 spoon इसमें केचप के जाएंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब जो मैक्रोनी हमने बॉईल करी है, ग्रेजुअली हम इसमें ऐड कर देंगे। याद रहे कि हमें मैक्रोनी 80% बॉईल करनी है, 100% बॉईल नहीं करनी है। अगर मैक्रोनी 100% बॉईल होगी तो थोड़ी चिपचिपी सी हो जाएगी और इतना ख़ास फ्लेवर नहीं आएगा। इसे हम 2 minutes के लिए और कुक करेंगे एंड डिश आउट कर लेंगे, बिकॉज ये मुकम्मल तौर पर प्रिपेयर हो चुकी है। बहुत ही यम्मी ग्रीन चिली मैक्रोनी रेडी हुई है। आप इसे लाजमी ट्राई करें और अपना फीडबैक हमारे साथ लाजमी शेयर करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें, एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लविंग, कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।